जताया पूरे मामले की जांच की मांग की है सुशांत सिंह के मामा ने। इस वक्त उनके घर पर पटना जो घर है वहां मातम छा गया है। वो कह रहे थे कि कल रात ही मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, वो न सिर्फ एक एक्टर थे, अच्छे एक्टर थे, बल्कि एक बड़े स्टार थे। और हत्या हुई है, हत्या का शक जताया है और अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। राजीव, अभी हमने दिखाया किस तरह से जो मामा है सुशांत सिंह राजपूत के, वो ये कह रहे हैं कि हमें हत्या का शक है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड नोट नहीं मिला है। क्या पुलिस ये पूरी तरह से मान रही है कि सुसाइड ही है या अभी जांच के बाद कुछ और बात कह सकती है पुलिस? देखिए, पुलिस का जो अभी तक आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने जब हमने इंडिया टीवी के तौर पर उनसे बात भी की थी फोन पर, तो उन्होंने यही कहा था कि उनका शव जो है वो पंखे से लटका हुआ मिला है। तो पुलिस प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या के नजरिए से देख रही है, लेकिन अभी आगे जांच का विषय होगा पंकज की क्या वाकई में ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई साजिश है। क्या जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। अभी बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि सुशांत एक बेहद बड़े कलाकार थे इंडस्ट्री के, ऐसे में इस तरह की घटना हुई है तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। जाहिर बात है परिवार भी इस तरह की घटना को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो खुशमिजाज था, हंसमुख था, जिंदा दिली से रहता था, हमेशा सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहते थे, बेहद एनर्जेटिक तरीके से रहते थे, इसी वजह से आज इंडस्ट्री के तमाम उनके जो साथी कलाकार हैं उनको वो लोग भी उनको उसी नजरिए से याद कर रहे हैं। उन बीते हुए गुजरे समय को जब वो शूटिंग में जाते थे, जिन लोगों के साथ उन्होंने फिल्में की, तमाम वो सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड किया तो क्या वजह हो सकती है। हालांकि कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिले थे और उसके बाद उस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर पुलिस ने जब उनके घर की तलाशी ली तो पुलिस को कुछ दवाएं भी मिली है जिसे एक पॉलिथीन में भरकर पुलिस